कैसी तस्वीर है, क्या मामला है इस तस्वीर पर, क्यों आखिर फहमान को वार्निंग देनी पड़ रही है, चलिए आपको सब बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आए और फहमान के फैंस हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता दूँ कि देखो फहमान जो है एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, पिछले कुछ वक्त से तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर। हर पोस्ट वो शेयर करते हैं, हर चीज़ जो फैंस पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए उस पर उनकी नज़र बनी होती है। ऐसे में फहमान जितना एक्टिव है फैंस भी उतना ही एक्टिव है। देखो क्या होता है, जब सेलिब्रिटीज़ एक्टिव होते हैं ना उन सेलिब्रिटीज़ के फैंस भी उतना ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका जो सेलिब्रिटी है वो लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहेगा और हमें यहाँ से लगातार जो है उस चीज़ को शो करते रहना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फहमान ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है, वो है ये तस्वीर, खुद फहमान ने शेयर की है। जी हाँ, ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं फहमान किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फैंस जो है वो चिंता में है कि ये क्या हुआ है फहमान को, इतनी चोटें लगी हैं, ये धुआं उड़ रहा है, हाथ में यहाँ पर उनके सिगरेट है। सो कहीं ना कहीं जैसे ही फहमान ने ये तस्वीर शेयर करी, सबसे पहले फहमान लिखते हैं, It's the aesthetics of this shot that gave me the feeling to upload it today. I am in no way support of smoking. पर यार दम तो है फोटो में, इस फोटो की जो aesthetics है उसने मुझे कहीं ना कहीं फोर्स किया कि मैं ये फोटो पोस्ट करूं। अदरवाइज इस फोटो को लेकर जो स्मोकिंग मैं इसमें कर रहा हूं, मेरा वो प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है। फोटो के aesthetics दमदार लगे इसलिए मैं शो कर रहा हूं। आगे वो लिखते हैं PS, स्पेशली मेंशन किया है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन द एक्ट। जी हाँ, यानी कि आप सिगरेट ना ही पीजिए तो वो बेहतर रहेगा। देखो एक रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी की ये पहचान होती है कि फहमान ने स्पेसिफिकली इस चीज़ को मैंशन किया कि देख लो भैया ऐसा ऐसा है, और वार्निंग अपनी तरफ से जारी कर दी कि देखो मैं ये तस्वीर इस रीज़न से डाल रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं फहमान की इस तस्वीर पर बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि फैंस को नहीं, देखो हर कोई इंस्टा पर नहीं होता, सो कई फैंस को ये नहीं पता कि ये फोटो क्यों वायरल हो रही है ट्विटर पर। सो ट्विटर में कई ऐसे फैंस हैं जो परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ की है, क्या फहमान को चोट लगी है, क्या एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपको बता दूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठंड रखो, फहमान के सेट की ये तस्वीर होगी जहाँ पर ये शूट फहमान कोई कर रहे होंगे और उस दौरान की ये तस्वीर है, कोई एक्शन सीक्वेंस होगा। क्लियरली फहमान को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है इस तस्वीर में, तो फैंस का परेशान होना जायज़ है, बट हम इसीलिए तो बैठे हैं हर र्यूमर को क्लैरिफाई करने के लिए। सो फहमान बिल्कुल ठीक है, ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एस्थेटिक अपलोड है और कुछ नहीं।